गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम फॉर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का आपका परिवार, आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अपडेटेड न्यूज। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने अपने बर्थडे पे, आपको पता है, 8 चीता का रिलोकेशन किया है। कहां से? नामीबिया से आपका कुनू नेशनल पार्क। इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कुनू नेशनल पार्क ही सिलेक्ट किया गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी कि और क्या प्रोजेक्टेड प्लान है, ठीक है ना, कितने चीता को और रिलोकेट करना है, ठीक है, सारी चीजों को, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर एक्सटिंक्ट ऑफ चीता इन इंडिया, ठीक है, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको पता है कि 17th ऑफ सितंबर 2022 अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे होता है, इसलिए उन्होंने काफी अच्छा स्टेप लिया, जो स्पीसीज आपको धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो, उन्होंने उस पर फोकस किया। नामीबिया से आपका आज जो है 8 चीता को पहले कहाँ लेके आया गया, पहले आपको ग्वालियर में लेके आया गया, फिर ग्वालियर से आपका जो है कुनू नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया, स्पेशली डिजिग्नेटेड एरिया में, जहाँ उनको जो है एक महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, जब उनके अच्छी तरीके से जब वो सेट हो जाते फिर उनको जो है रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में आप देख सकते हैं चीता कब एक्सटिंक्ट हुआ था, 1952 में। एक्चुअली जो लास्ट चीता था ना, लास्ट चीता जो है 1947 में हंट कर लिया गया था, मार दिया गया था और आपके एक्सटिंक्ट घोषित किया गया, जब आपके चीता नहीं, एक्सटिंक्ट कब घोषित किया गया, 1952 में घोषित किया गया कि इंडिया में आपका चीता भी नहीं पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम ए लार्ज कार्निवोर हैज बीन रिलोकेटेड फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर। कंटिनेंट्स है ना, कहां से? नामीबिया से लेके आ रहे, नामीबिया अफ्रीका से लेके आ रहे, कहां शिफ्ट करो, इंडिया में शिफ्ट कर रहे। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, विच इज स्पीडिंग द प्रोजेक्ट। और आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में 260 करोड़ रुपीज खर्चा करने का प्लान किया है चीता रिलोकेशन के लिए। ओके, अब देखिए चीता रिलोकेशन की बात करेंगे तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि चीता रिलोकेशन, पहले आपको पता होगा, पहले जो है हम लोग सोच रहे थे कि चीता हम रिलोकेट करेंगे कहाँ से, ईरान से एशियाटिक चीता को या फिर अफ्रीकन से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम लोग एशियाटिक चीता की बात करें तो उसका नंबर जो है 100 नंबर, और आपका आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लेकिन भैया अगर हम एशियाटिक चीता की बात करेंगे तो देयर नंबर इज 6500 से लेकर 7500 तक इनका नंबर है। और आपको पता होगा कि अगर हम लोग नामीबिया रीजन की बात करें तो वहां पर धीरे धीरे, अफ्रीका रीजन की बात करें वहां पर भी धीरे धीरे आपका चीता का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था, फिर वहां पर कंजर्वेशन प्लान अडॉप्ट किया गया। कंजर्वेशन प्लान होने अडॉप्ट करने के बाद जो है फिर उनकी नंबर आपकी इंक्रीज करना शुरू होगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उनका थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन क्यों होना शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ स्पेस। तो अब क्या होगा, ये जो स्टेप जो सरकार के द्वारा लिया गया, ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा, दोनों के लिए कह सकते हैं, अफ्रीका रीजन के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम वहां से अगर चीता को रीइंट्रोड्यूस करके यहाँ पे लेके आते हैं, चीता का नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, तो मोर और लेस कल के डेट में ऐसा हो सकता है वहां का नंबर अगर डिक्लाइन करेगा, यहाँ से हम लोग उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की डेट की बात करेंगे तो आज आपको मैंने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर से जो है 8 चीता लेके आएंगे। 8 चीता मतलब आप देखेंगे, 3 आपके 3 फीमेल है और आपके 5 फीमेल है, आपके 3 मेल है, ठीक है। और इनको स्पेशल लोकेटेड एरिया में भेजा गया है, क्वारंटाइन है, अभी क्वारंटाइन है। और जो जो चीता मित्र हैं, जो स्पेशल ट्रेन किए गए हैं, ठीक है ना, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर हैं, उन पे स्पेशल ध्यान रखेंगे हर एक चीता पे, ठीक है ना। एक महीना में जब वो सेट हो जाएंगे तब उनको जो है रिलीज किया जाएगा। अब चीता के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चीता का जब चीता इज लार्ज कैट दैट इज इंडिजिनियस टू अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान, इसलिए आपको चीता का हमने बताया था, दो स्पेशली जो आपका एशियाटिक चीता जो अभी आपका सिर्फ ईरान में एग्जिस्टेंट है और एग्जिस्टेंस है, और वहाँ नंबर कितना सिर्फ 100 है। और दूसरी ओर देखेंगे आप जो है अफ्रीकन चीता, जिसकी पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं 6500 से लेकर लगभग जो 7000 है,
इसकी खास बात क्या, दीज आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल कैपेबल ऑफ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 80 to 120 किलोमीटर पर आवर, और यही स्पीड जो है इसी स्पीड के कारण जो है वो प्रे को कैच कर पाते हैं। चीता के बारे में बात करेंगे, चीता क्लासिफाइड इनटू फोर सब स्पीशीज, सेवरल फैक्टर एंडेंजर्ड द चीता इंक्लूडिंग सबसे बड़ा फैक्टर क्या, हैबिटेट लॉस, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, पॉचिंग एंड हाई ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इंडिया में देखा जाए, इंडिया में आपका हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग आपका दो इम्पोर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने चीता मित्र आपके चीता मित्र बनाए हैं, ट्रेंड किए हैं। जब चीता मित्र आर ए ग्रुप ऑफ रफली 400 यंग पीपल, अगर मान के चलिए आप किसी न्यू स्पीसीज को लेके आते हैं तो वहां पे क्या होता है, सारे एनवायरमेंट नीच वगैरह सब चीज चेंज हो जाता है। नए एनवायरमेंट पर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ दिन उन्हें मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद जो है आप उसे रिलीज कर पाते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल लोगों की जरूरत है, स्पेशल लोग कौन है, चीता मित्र है, ठीक है ना। तो चीता मित्र आर ए ग्रुप ऑफ रफली 400 यंग पीपल हु हैव बीन ट्रेंड टू रेज चीता अवेयरनेस अमंग द लोकल्स ऑफ सराउंडिंग विलेजेस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम लियोपार्ड्स इन बिहेवियर एंड लुक्स। चलिए ओके, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं तो चीता जो रिलोकेट किए गए हैं, रिलोकेट करने का क्वारंटाइन एरिया बना है, उनके कॉलर पे जो है सैटेलाइट कॉलर्स अटैच कर दिए गए ताकि उनको जो जियो टैग किया जाके उनके पोजीशन को लोकेट भी किया जा सके। एक महीना तो क्वारंटाइन में रहेंगे, उसके बावजूद भी हमें उन्हें मॉनिटर कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा जब उन्हें रिलीज कर देते कंप्लीटली। ओके नाउ अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि चीता का, मैंने बताया इंडिया में अगर आप देखेंगे तो चीता को, चीता का एक्सटिंक्ट होने का सबसे बड़ा फैक्टर जो था बिफोर मतलब ब्रिटिश एरा में वो था आपका हंटिंग, हंटिंग और साथ साथ में हैबिटेट लॉस। चीता आपको कहां डेसिडुअस फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, उनको ग्रासलैंड की जरूरत है। सो आप देख सकते हैं लास्ट चीता आपने देखा होगा, लास्ट चीता किसके द्वारा किन किया गया था, महाराज रामानुज प्रताप सिंह, ठीक है ना। ये जो आपका लास्ट चीता 1947 में जो है इन्होंने किल किया था, किल द लास्ट 3 रिकॉर्डेड एसिटिक चीता। ओके 1952 इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर द चीता एक्सटिंक्ट इन इंडिया, लास्ट चीता 1947 तक जो बिगेस्ट फैक्टर जो था वो आपका हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट बताया जा रहा है। अब देखिए हम लोग टोटल अभी कितना 260 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी जो है आज की डेट में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने बर्थडे पे 8 चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया और फ्यूचर में जो है 12 चीता हम और लेके आ रहे हैं, कुल मिला के 20 चीता को अभी प्रेजेंटली रिलोकेट करने का प्लान किया गया है। अब क्वेश्चन उठते हैं वाई फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो मैंने बताया था साउथ अफ्रीका में पहले आपकी चीता का पॉपुलेशन बहुत थी, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उन लोगों ने कंजर्वेशन अप्रोच लगाया, फिर चीता का पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास स्पेस सफिशियंट नहीं है, इस कारण से जो है हम चीता को वहां से लेके आ रहे हैं। उसके बाद वाई कुनू नेशनल पार्क, अब हम देखेंगे कुनू नेशनल पार्क की स्टार्टिंग में क्यों सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कुनू नेशनल पार्क वाज फाउंड सूटेबल फॉर चीता ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, प्रॉपर ग्रासलैंड है, प्रे जो है सफिशियंट मात्रा में पाए जाते हैं, प्रेडेटर पॉपुलेशन, प्रे डेंसिटी सफिशियंट है, तभी हम लोग सोचे कि वहां पर इंट्रोड्यूस करना काफी सही रहेगा। द केन्यू द कुनू नेशनल पार्क लाइज इन द विंध्या हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ए रेयर जंगल एंड ऑसिस नेस्टेड बिटवीन रॉकी एंड अनफॉरगिविंग लैंडस्केप, द नेशनल पार्क इज फुल ऑफ एंशिएंट फोर्ट्स स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव नाउ बीन रिक्लेम्ड बाय द फॉरेस्ट, ठीक है ना। एंड जो मैंने बताया ग्रासलैंड्स हैं, द ग्रासलैंड्स एंड कुनू नेशनल पार्क आर बिगर देन मोस्ट एट कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसलिए जो है चीता को आपको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया। इज इट ओके, एक छोटा सा सेशन था, ऐसी सेशन के लिए हम लोग जो ऐसी सेशन की रोज मेरी 10 बजे जो एक शॉर्ट सेशन होती है वहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो करंट न्यूज में आते हैं उन चीजों को डिस्कस कर सके, ऐसी शॉर्ट सेशन के लिए आप हमारे सेशन से जुड़िए। तो थैंक यू टू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। Thank you.